हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर आर ओ मीन्स की पारिभाषिक शब्दावली का पार्ट 8 हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में। हिंदी की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, विथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये मैं आपको 8वां पार्ट या आखिरी पार्ट करा रही हूँ। ऑलमोस्ट इसमें सारे जो भी पारिभाषिक शब्दावली है कवर हो चुकी है। जो भी चीज़ें रह गई हैं, थोड़ी बहुत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, तो उसको मैं MCQ सीरीज़ लेकर आऊँगी इसके जस्ट ख़त्म होने के बाद। तो MCQs में आप वो जो भी छूटे हुए शब्द हैं वो कर सकते हैं, प्लस इसमें जो 8 पार्ट हुए हैं उसकी रिवीजन भी आप कर सकते हैं। तो MCQs देखने से पहले प्लीज़ ये 8 पार्ट को रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए, ताकि आप वो MCQs सॉल्व कर पाएँ और अपनी तैयारी का आकलन कर पाएँ कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। और ये जो 8 पार्ट्स हैं, इसकी पूरी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज पे बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूँगी। जैसे ही ये ख़त्म होगा, वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ देर बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगी इसकी PDF को। और कुछ लोग कह रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है टेलीग्राम चैनल पे। मैं पर्सनली लिंक भेज दूंगी उन लोगों को जिनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब तक और अराउंड 100 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ज्वाइन करने में। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे देखती हूँ। बाकी आप लोगों जिनने कमेंट किया है, मैं उनको पर्सनली सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो ज़्यादा टाइम आप लोग का ना वेस्ट करते हुए आज पार्ट 8 करेंगे। इसकी PDF भी आप मेरे सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग MCQs भी शुरू करेंगे और साथ के साथ विलोम विपरीतार्थक हिंदी में कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, कैसे प्रतिवेदन लिखते हैं, निबंध कैसे करते हैं, साथ के साथ बहुत सारी सीरीज चलेंगी। प्लस आज मैं हिस्ट्री का लेक्चर भी लेकर आऊँगी और एक वन लाइनर GK के भी लेक्चर लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का पार्ट 8 करते हैं। तो आज के पारिभाषिक शब्दावली में शब्द हैं टेबुलेटर, सारणीकार, टेबुलेशन, सारणियन, ट्रांजिशन, संक्रमण, अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य, अनयूनिमसली, सर्वसम्मति से, अनकोऑपरेटिव, असहयोगी, अनकम्फर्ड, अपुष्ट, अनडिग्निफाइड, अभद्र, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र, अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन, अनबैलेंस्ड, असंतुलित, अंडर एज, अवयस्क, यूनियन पब्लिक सर्विस, संघ लोक सेवा आयोग, सॉरी पूरा नाम है इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, अनपार्लियामेंट्री वर्ड, असंसदीय शब्द, अपर डिवीज़न, उच्च श्रेणी, क्लर्क, लिपिक, अनयूजुअल, असामान्य। नेक्स्ट है अप टू डेट, अद्यावधि, अल्टीमेटम, चेतावनी, अनऑफिशियल, अनौपचारिक, वीज़ा, पारपत्र, वीटो, निषेधाधिकार, वैलिडिटी, वैधता, वैकेंसी, रिक्त, विजिलेंट, सतर्क, और वेरीफाइड, सत्यापित, वैलिड, वैध, वॉयलेशन, उल्लंघन। यहाँ दोबारा वॉयलेशन शब्द है। वॉयलेशन का मीन्स उल्लंघन और अतिक्रमण दोनों होता है, तो ऑब्लिक में आप ये दोनों लिख सकते हैं। वर्डिक्ट, अभिमत, वेन्यू, स्थान, विडिकेटिव, दंडात्मक, वेग, अस्पष्ट, वार्ड, पाल्य, विल, वसीयत या इच्छा पत्र, रिट, याचिका, वर्किंग प्लान, कार्ययोजना, वारंट, अधिपत्र, योर्स, आपका, फेथफुली, विश्वास पात्र, योर्स, आपका, ये दोबारा रिपीटेड है, सिंसियरली, सद्भावी, जोन, मंडल, जोनल, मंडलीय, और जीरो आर, शून्यकाल। तो A to Z यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली ख़त्म होती है। इसमें कुछ शब्द रह भी गए होंगे तो वो MCQs में हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसकी PDF भी आप लोग डाउनलोड करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।